Rajya Sabha MP and senior advocate Kapil Sibal hits out at Home Minister Amit Shah on his POK remarks, saying that before BJP talks about taking back POK, they should talk about, they should in fact take back the 4,000 kilometers that China has taken away from India. He also questioned Amit Shah on his claims that the government will take back POK if they get 400 seats in the Lok Sabha polls, and asked, will they not take back POK if they don't win 400 seats? Let's in fact take a listen. Badi interesting baat kahi. Unhone kaha ki dekhiye, agar hamari 400 seaten aati hain to hum POK pe ke kabza kar lenge. Ye bhi unhone kaha ki agar 400 seaten aayi to POK pe kabza kar lenge. और अगर नहीं आए तो नहीं करेंगे. हम तो चाहते हैं कि करें, जरा थोड़ा लाल आंख से दिखाएं. तो 4000 किलोमीटर का कब्जा चीन ने कर रखा है यार, वो तो पहले वापस लो. वहां तो थोड़ी आंख लाल आंख दिखा. Okay, we've of course heard the statements that have been made by Rajya Sabha MP and senior advocate Kapil Sibal. In fact, joining us on the broadcast is my colleague Kanika Katyar. Kanika, of course, Kapil Sibal has raised two questions predominantly. He said that if the BJP government does not get 400 seats, will they not take back POK? Is the first question that they've asked. And he's also said that, you know, he's in fact made a statement that they should take back the 4,000 kilometers that China has taken away from India. Big, two big statements that have been made. Give our viewers more details on this. गृह मंत्री अमित शाह के पीओके वाले बयान के बाद जो है, कपिल सिब्बल जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, उनका ये बयान आना कि जो बीजेपी लगातार ये पीओके का वादा कर रही है, वो ये कह रही है गृह मंत्री अमित शाह की 400 पार अगर सीटें बीजेपी की आती है तो पीओके को जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी. पाक अधीन कश्मीर जो है उसको पूरा किया जाएगा, जो कि लगातार एक लंबा विवाद जो है बीजेपी की ओर से लगातार रहा है. गृह मंत्री से पहले भी कई बार पीओके का जिक्र जो है चुनावी मैदान में कर चुके हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने अपने आप में एक बयान दिया है और क्वेश्चन मार्क जो है वो कहीं ना कहीं रेज कर दिया है कि अगर 400 पार आएंगी क्या तभी पीओके पे कोई कार्रवाई होगी, अगर 400 पार नहीं आएगी तो क्या गृह मंत्री अमित शाह पीओके पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. इसके अलावा लगातार जो चीन का मामला है, लगातार जो चीन जो है जो हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा करता हुआ जा रहा है, इसको लेकर तमाम पार्टियों ने पहले भी सवाल उठाए हैं और कपिल सिब्बल भी इससे पहले जो है केंद्र सरकार को घेर चुके हैं और उन्होंने इस बात का भी जिक्र आज फिर दोबारा किया है कि पाकिस्तान पीओके की बात में बात करेंगे, लेकिन पहले बीजेपी को गृह मंत्री अमित शाह को जो चीन लगातार हिंदुस्तान की सीमाओं पे कब्जा कर रहा है उसके बारे में बात करनी चाहिए. और कहीं ना कहीं अगर हम ये चीन वाला इश्यू देखें तो ये लंबे समय से जो है विपक्ष की पार्टियां जो है वो उठाती आई हैं, इवन कांग्रेस पार्टी भी इशू को बहुत तेजी से उठाती आई है. राहुल गांधी ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि चीन जो लगातार हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा कर रहा है उस पर बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कभी कुछ नहीं बोलते, बीजेपी और केंद्र सरकार जो है खुद पे है. लेकिन आज जिस तरह से कल गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके पे बयान दिया है उस पर अब कपिल सिब्बल ने उसके ऊपर एक सवाल भी खड़ा किया है और कहीं ना कहीं तंज करते हुए इस बात का जिक्र किया कि 400 पार तो आ नहीं रहे और 400 पार आते हैं तो कार्रवाई होगी, लेकिन 400 पार का जो नारा बीजेपी लगातार दे रही है वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर कहीं नहीं आ रहा है. All right, Kanika, thanks for joining in, sharing all those details. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.